नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे यूडीसी, एचटेनो और एमटीएस के लिए सेफ जोन के बारे में हम बात करेंगे। साथ में जो भी आप लोग का डाउट होगा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग का डाउट है कि दिल्ली में दो तीन जोन का ऑप्शन आ रहा है और कहाँ से अप्लाई करें, तो ये डाउट आप लोग का क्लियर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ लाइव फॉर्म आप लोग को दिखाऊंगा। मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया जिसके माध्यम से आपको मैं दिखाऊंगा कि आप लोग को फॉर्म फिल करने में कहाँ कहाँ कठिनाई हो सकता है। साथ में मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ मैंने फ्री जॉब अलर्ट खोला हुआ है जहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है कि तीनों के लिए 500 रुपया यहाँ अप्लीकेशन फ़ी होना चाहिए और 250 रुपया अगर आप SC ST और ये फीमेल कैटेगरी है या एक्स सर्विसमैन है, PWD है, तो 250 रुपये आपको लगेगा। ऑनलाइन आप दे सकते हैं पेमेंट है। और डेट आप लोग देख लीजिएगा, 15/2/2022 है, 15 फरवरी 2022 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज आपका होना चाहिए 18 से 27 होना चाहिए यूडीसी और स्टेनो का। और अगर MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 25 साल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 होना चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट स्टेनो स्पीड टेस्ट हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। साथ में आपका डिग्री होना चाहिए अगर आप यूडीसी के लिए अप्लाई करते हैं, और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटेल हो गया आपको कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि मान लीजिए कि आप स्टेनोग्राफर का ऑप्शन लेते हैं, तो स्टेनोग्राफर में दिल्ली में 3 रीजन दिया जाएगा। दिल्ली हेडक्वार्टर दिया जाएगा, दिल्ली RO रीजनल ऑफिस दिया जाएगा और दिल्ली DMD, आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। क्योंकि तीनों जगह स्टेनोग्राफर का कुछ ना कुछ वैकेंसी है, इसलिए आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ वैकेंसी है वहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो जहाँ भी आपको सुटेबल लगे दिल्ली में, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टेनोग्राफर का, ठीक है। अगर आप दूसरे कैटेगरी को यहाँ लेते हैं, मान लीजिए कि UDC का लेते हैं, तो यहाँ 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब आपको दिल्ली में केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा और जहां जहां वैकेंसी है केवल वही ऑप्शन आपको दिखने वाला है यहां पे। अगर वही हम बात करें मल्टीटास्किंग के बारे में, तो मल्टीटास्किंग में भी सेम, आपको दिल्ली में एक ही जगह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अलग अलग जगह से आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपके डिपेंड करता है कि आपने पोस्ट क्या सेलेक्ट किया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कहां से फिल करना है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर के बारे में, तो मान लीजिए कि मैंने दे दिया मल्टीटास्किंग का फॉर्म, मैंने दे दिया कहाँ से, मान लीजिए कि मैंने दे दिया कर्नाटका से दे दिया, ठीक है। अब कर्नाटका तो मुझे सेंटर नहीं चाहिए, मुझे होम सेंटर चाहिए। तो यहाँ देखिए, होम सेंटर वाला भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए मुझे झारखंड में सेंटर देना है, तो झारखंड ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे झारखंड में बोकारो स्टील सिटी देना है तो ये भी मैं दे सकता हूँ। बट यहाँ झारखंड में मुझे, मान लीजिए कि अगला सेंटर मुझे, मान लीजिए झारखंड ना देके मुझे बिहार में कहीं पे देना है, बिहार भी या दिल्ली में देना है, ठीक है, दिल्ली NCR में देना है। तो दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया, दिल्ली NCR में सेंटर दे सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगला सेंटर चाहे तो कहीं भी दे सकते हैं, देश में, भारत में कहीं भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे तेलंगाना में देना है, तो तेलंगाना में हैदराबाद दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। मतलब मेंस का जो एग्जाम होगा कोई एक ही जगह होगा। अगर झारखंड आप देते हैं तो झारखंड में रांची में ही मेंस का एग्जाम होगा। मतलब आप होम सेंटर दे सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप होम सेंटर अपना दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो यही चीज़ आप लोग का डाउट होगा कि होम सेंटर दे सकते थे कि नहीं। आप देश में कहीं भी सेंटर दे सकते हैं, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ सेंटर दे सकते हैं। आप फॉर्म कहीं से भी अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो ESIC ये फैसिलिटी देता है, ये मैंने आपको लाइव में दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए स्टेनो और MTS के लिए कहाँ से फिल करना ये फॉर्म बेहतर होगा। तो अगर हम बात करें MTS के लिए, तो छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि अच्छा जोन है, यहाँ से कट ऑफ कम जा सकता है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ MTS के लिए सेफ जोन होगा। गोवा भी मुझे लगता है कि गोवा भी सेफ जोन होगा, गोवा का भी कट ऑफ कम जाएगा छत्तीसगढ़ और गोवा में से। गोवा का कट ऑफ कम जा सकता है, ज़्यादा कम जा सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात में से कंपेयर करें तो गुजरात मुझे ज़्यादा सेफ लगता है, गुजरात का कट ऑफ कम देखने को मिलेगा महाराष्ट्र की तुलना में। अगर आगे बात करें तो झारखंड, कर्नाटका भी मुझे सेफ लगता है। कर्नाटका अभी तक जितने भी जोन बताया उनमें सबसे सेफ लगता है MTS के लिए। MTS में देखिएगा, कर्नाटका का हो सकता है कि इन सभी जोन में से सबसे कम कट ऑफ जाएगा, ठीक है। कर्नाटका मैं नंबर 1 पे रखूंगा, नंबर 2 पे नॉर्थ ईस्ट रख सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का भी कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। तमिलनाडु भी दोस्तों अच्छा जोन है, यहाँ कट ऑफ एवरेज देखने को मिलेगा, यहाँ से भी आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो नंबर 1 पे कर्नाटका, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे तेलंगाना को रख सकते हैं हम, ठीक है, नंबर 3 पे तेलंगाना को रख सकते हैं।
या नंबर थ्री पे गोवा को मैं रखूंगा, नंबर थ्री पे गोवा को रखूंगा, नंबर वन पे मैंने रखा किसको, कर्नाटका को, नंबर टू पे मैंने रखा गोवा को, और नंबर थ्री पे यहाँ हम रख सकते हैं तमिलनाडु को भी रख सकते हैं, तमिलनाडु भी सेफ जोन होगा। जितने भी मैंने ग्रीन किए हैं ना वो सभी सेफ है, तेलंगाना भी से भी आप चाहे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं आपको एमटीएस के लिए, दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं, आप छत्तीसगढ़ से भी फिल करेंगे तो कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, दिल्ली से कट ऑफ हाई देखने को मिलने वाला है, गोवा का कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है, गोवा का कट ऑफ कम जाएगा, गुजरात का भी कट ऑफ कम जाएगा महाराष्ट्र की तुलना में। महाराष्ट्र भी हालांकि सेफ होगा, महाराष्ट्र को मैंने कलर किया नहीं है बट महाराष्ट्र भी मुझे सेफ लगता है, महाराष्ट्र का भी कट ऑफ कम ज्यादा नहीं जाएगा, 258 वैकेंसी है, देखिए मैंने रेड किया यहाँ पे, गुजरात से ज्यादा देखने को मिल सकता है बट महाराष्ट्र सेफ जोन में आएगा, काउंट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट भी सेफ जोन में आएगा, तो जो मेरे हिसाब से जो कम कट ऑफ जाएगा, गोवा का कम कट ऑफ जाएगा और कर्नाटका का कम कट ऑफ जाएगा, तो गोवा और कर्नाटका में से कोई भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको साउथ में एक और जोन चाहिए तो तमिलनाडु आप जा सकते हैं, तमिलनाडु का भी कम कट ऑफ देखने को मिलेगा एमटीएस में, ठीक है, तो तमिलनाडु आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो गोवा, तमिलनाडु और गुजरात, तीन ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया, इन तीनों में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जितने भी मैंने ग्रीन किए सभी के सभी सेफ है, तो आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल गया होगा। अब यहां देखिए दिल्ली में आपको कहां फिल करना चाहिए स्टेनोग्राफर, तो मेन दिल्ली में आप लोग नहीं फिल कीजिए, दिल्ली जो मेडिकल दिल्ली है ना, ये वाला मेडिकल मेडियल दिल्ली है ना, वहां से अप्लाई कीजिए, यहां से स्टेनोग्राफर बिल्कुल सेफ होगा, आसानी से हो जाएगा, कम कट ऑफ जाएगा। गुजरात का भी कम कट ऑफ जाएगा, गुजरात से भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, कर्नाटका से भी अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी अच्छा खासा है, कर्नाटका भी स्टेनोग्राफर कम कट ऑफ जा सकता है। महाराष्ट्र का भी देखिए 18 वैकेंसी है, तो महाराष्ट्र को मैंने रेड किया है, यहाँ कट ऑफ एवरेज देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का सबसे कम कट ऑफ देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ वैकेंसी भी अच्छा है, 16 वैकेंसी है और ठीक ठाक है कंपटीशन यहाँ, मतलब अच्छा कट ऑफ देखने को मिल सकता है, मतलब कम कट ऑफ देखने को मिल सकता है, तो तमिलनाडु अच्छा वैकेंसी है, मैं सजेस्ट करूंगा कि तमिलनाडु से अप्लाई कीजिए। तेलंगाना का कट ऑफ हाई देखने को मिल सकता है, मतलब एवरेज कट ऑफ देखने को मिल सकता है, बट तमिलनाडु ये जो है ना, तमिलनाडु का कट ऑफ है आपको ओके देखने को मिलेगा, ठीक ठाक तमिलनाडु, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका बैंगलोर अच्छा सिटी हो जाएगा। नंबर टू पे कर्नाटका को मैंने रखा है, नंबर थ्री पे गुजरात को मैंने रखा है, नंबर थ्री पे दिल्ली को मैंने रखा हुआ है और नंबर फोर पे गुजरात को रखा हुआ है, तो इनमें से जो स्टेट आपको सही लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने जो यूडीसी का उस पर पहले वीडियो बना दिया, तो आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं, एमटीएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एक नज़र में मैं कर्नाटका बोलूंगा, और स्टेनो के लिए भी एक नज़र में कर्नाटका बोलूंगा, नंबर टू में आपको तेलंगाना जाने के, नहीं तमिलनाडु जाने के लिए बोलूंगा, दोनों में एमटीएस और स्टेनो में भी आपको मैं बोलूंगा कि तमिलनाडु नंबर टू पे रखिए, नंबर वन पे कर्नाटका को रखिए, और गुजरात को नंबर थ्री पे रख सकते हैं या फिर गोवा को नंबर थ्री पे रख सकते हैं, ठीक है, गोवा को आप रख सकते हैं किसके लिए, एमटीएस के लिए नंबर थ्री पे गोवा को रख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों स्टेट का मैंने बता दिया कि टॉप थ्री स्टेट कौन से होने वाले हैं जहां पे कट ऑफ कम जाएंगे, जितने भी मैंने ग्रीन किए हैं उनका कट ऑफ कम जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज बज, और यहाँ वैकेंसी कितना हो गया, 4315 हो गया, तो वैकेंसी लगातार इंक्रीज हो रहा है, आने वाले समय में वैकेंसी इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो एक अच्छा मौका है, ज्वाइनिंग आप लोग ले लीजिए, और मुझे लगता है कि अब आप लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहा, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।